अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब है। दोस्तों ने वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली खुशहाली बैंक्स की जॉब के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसे अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। अपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो जाए। जी तो दोस्तों, इसमें जो आप लोग पूरे पाकिस्तान के ऑल सिटीज़ से मेल्स और फीमेल जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों ने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइन सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब एज पर। आपने आ जाना है गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एज डॉट इन्फो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको जो है खुशहाली बैंक की आपको पोस्ट नज़र आएगी। तो सबसे पहले जो है आपने इस पोस्ट को रीड कर लेना है। वहाँ पर आपको इसके 4 एड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको पहला एड मैंने ओपन किया है, इसके बारे में आपको बताते चलूँ। कस्टमर सर्विस ऑफिसर का ये एड है और इसमें जो आपको बताते चलें मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। ऑल सिटी से अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से, और ये परमानेंट जॉब होगी। और इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। आपने 28 फरवरी से पहले पहले तक आप लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऐड आपको दिखाते हैं, लोन ऑफिसर जनरल लोन का ये ऐड है। और इसमें आपको बताते चलें कि इसमें जो है कौन, यहाँ पर आपको बताते चले क्राइटेरिया सेम है, परमानेंट आपकी जॉब होगी, फुल टाइम जॉब होगी, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बी ए बी बी कॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट जो है लोन ऑफिसर एमएसएम की पोस्ट है, 28 इसकी लास्ट डेट है। मेज ऑफ में दोनों अप्लाई करेंगे, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका लास्ट डेट है कैश ऑफिसर की जो है, और इसमें जो आपको बताते चलें कि इसमें जो है आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब आपकी होगी, ऑल सिटी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, बीबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आपको बताते चलें कि आप लोगों ने जो है इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले जो है आपने इनकी सिंपली क्या करना है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, खुशहाली बैंक डॉट रोजी डॉट पी के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है ऑल पोस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है, आपने सिंपली उसके जो है अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने जो है इसका ऑनलाइन पोर्टल आपको बताते हैं कि आप लोगों ने जो है कैसे इसमें अप्लाई करना होगा। जब आपके सामने जो है इसका ये खुशहाली बैंक आपकी जो है पोस्ट ओपन होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप लोग जो है यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो आपने जो है सिंपली आपने साइन इन करके और पासवर्ड देकर आपने जो है लॉग इन कर लेना होगा। अगर आप यहाँ पर जो है रजिस्टर नहीं हैं, तो आपने जो है सबसे पहले जो है इसको यहाँ पर आपने लॉग इन करना होगा। आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करेंगे आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन हो गई है, आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपने यहाँ पर रजिस्टर है, तो आपने जो है ऑलरेडी, तो आपने यहाँ पर सिंपली आपने लॉग इन कर लेना है। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक हेयर जो रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऑनलाइन जो है इसका पोर्टल ओपन होगा रजिस्टर का। तो आपने यहाँ पर पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना है। तो आपके सामने जो है जब ये अकाउंट रजिस्टर होगा, तो आपने बैक पर जाकर आपने सिंपली जो है आपने लॉग इन करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर